दोस्तों नीट 2022 में टोटल 18,60,000 स्टूडेंटों ने आवेदन किया था, वहीं 2021 में 16,15,000 स्टूडेंटों ने आवेदन किया। लास्ट ईयर की तुलना में 2.45 लाख अभ्यर्थी अधिक हैं। दोस्तों कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर 595 नंबर थी, इस बार 587 नंबर रहने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी में 595 नंबर थी, इस बार 585 नंबर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी लास्ट ईयर 595 नंबर थी, इस बार 586 नंबर रहने की संभावना है। वहीं बात करें दोस्तों एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर 473 थी, इस बार 463 रहने की संभावना। एसटी कैटेगरी में 452 थी लास्ट ईयर, इस बार 440 नंबर रहने की संभावना है। दोस्तों बात करें लास्ट चार ईयर कितने स्टूडेंटों ने आवेदन किया, तो 2019 में 15,19,000 स्टूडेंट थे, 2020 में 15,97,000 थे, 2021 में 16,14,000 स्टूडेंट थे, 2022 में 18,60,000 स्टूडेंट थे। तो दोस्तों दिन प्रतिदिन स्टूडेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है और आप देख सकते हो दोस्तों ये अनुमानित कट ऑफ है जो दैनिक भास्कर ऐप की तरफ से लॉन्च की गई है और आई होप आपको देख के पसंद आई होगी। वहीं मेडिकल कॉलेज की बात करें तो लगभग 542 मेडिकल कॉलेज है पूरे देश में, वहीं 313 डेंटल कॉलेज हैं, 15 एम्स हैं, 2 जिपमर हैं और 914 आयुष के हैं, टोटल 47 वीवीएससी के और एएच कॉलेज हैं। तो दोस्तों काफ़ी कॉलेज हैं और दिन प्रतिदिन कॉलेजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये जो कट ऑफ है आई होप आपको देख के अच्छी लगी होगी। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आपको कॉलेज मिलने की पूर्ण संभावना है। और दोस्तों अगर आपके कम नंबर हैं तो 2023 को टारगेट करते हुए अभी से आप तैयारी में लग जाइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।